नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम हेमंत सोरेन ने 155 करोड़ से अधिक की दी सौगात, बोले बेहतर करने वाले सरकारी कर्मी होंगे पुरस्कृत। सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के कोलेबीरा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि राज्य और राज्यवासियों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की योजनाओं से जुड़कर लोग सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जब तक लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी तब तक राज्य मजबूत नहीं बनेगा। बेहतर काम करने वाले सरकारी कर्मी पुरस्कृत किए जाएंगे। इस दौरान 155 करोड़ 78 लाख 19 हजार 440 रुपए की लागत वाली 1453 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। वही 40 हजार 321 लाभुक के बीच 31 करोड़ 17 लाख 62 हजार 385 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को देवघर एम्स में 10,000वें पीएम जन औषधि केंद्र का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को दिल्ली से ऑनलाइन देवघर एम्स में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। देवघर एम्स परिसर में अमृत फार्मेसी के बगल में ही पीएम जन औषधि केंद्र तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार स्टोर में सारी दवाइयां आ गई है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आग्रह पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देवघर एम्स में पीएम जन औषधि केंद्र की स्वीकृति दी है। जेडीयू में शामिल हुए टीएमसी नेता मधुकर सिंह संगठन को लेकर क्या बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री सह झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी और बिहार विधान परिषद के सदस्य एवं प्रदेश जदयू के सह प्रभारी विजय कुमार सिंह ने प्रदेश जदयू के नेताओं के साथ बैठक की। ये बैठक रांची की राजकीय अतिथिशाला में हुई। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने सदस्यता अभियान को जारी रखने का निर्देश दिया। साथ ही आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन की मजबूती पर जोर दिया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस झारखंड के पूर्व अध्यक्ष मधुकर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने ई सेवा केंद्र के वर्चुअल प्लेटफॉर्म का किया ऑनलाइन उद्घाटन। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को पलामू जिले के मेदिनीनगर स्थित सिविल कोर्ट परिसर में स्थापित ई सेवा केंद्र के वर्चुअल प्लेटफॉर्म का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर पलामू सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट एमपी मिश्रा मौजूद रहे। पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू की विशेष अदालत ने किया बरी। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू की विशेष अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर मेदिनीनगर सिविल कोर्ट पहुंचे। एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया। धनबाद में जमीन व्यवसायी कृष्णा मंडल पर फायरिंग, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल, इलाके में दहशत का माहौल। धनबाद में अपराधियों का तांडव अब सर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आमा घाटी की है, जहां जमीन व्यवसायी कृष्णा मंडल को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। व्यवसायी बड़ा नवाटाण के रहने वाला एक बिल्डर है जो छड़ सीमेंट की दुकान चलाता है। घटना की खबर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। अवैध खनन मामले में 6 दिनों में दूसरी बार पहुंची सीबीआई की टीम। 1,000 करोड़ अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के गवाह बने विजय हांसदा केस मामले में जांच करने 6 दिनों के अंदर दूसरी बार बुधवार की सुबह सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम सीनियर वकील के साथ साहिबगंज पहुंची। सीबीआई की टीम सदस्य सुबह करीब 10:15 में परिसदन से न्यायालय परिसर स्थित एडीजे कोर्ट पहुंची। वो विजय हांसदा केस से जुड़े मामलों के कागजात को खंगाला। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही केंद्र सरकार, मंत्री मिथिलेश ने प्रेस वार्ता में कह दी बड़ी बात। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के गरीबों की दशा और दिशा सुधारने के प्रति संवेदनशील है। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति के दरवाजे तक पहुँच रही है, जबकि इसके विपरीत केंद्र की सरकार गरीबों की सूद नहीं ले रही है और राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार भी कर रही है। टीटीआर के 210 परिवारों का किया जा रहा है पुनर्वास, भूमि व मुआवजा के लिए सांसद विधायक को लिखा गया पत्र। पलामू टाइगर रिजर्व के कुजरूम और लाटू गांव के 210 परिवारों का पुनर्वास करने के गतिरोध को दूर करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष ने सांसद विधायक जीप अध्यक्ष सदस्य आदि को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि कुजरूम के 120 और लाटू के 90 परिवारों को पुनर्वास के लिए प्रस्तावित समर्पित किया गया है। विभाग को इसके लिए पहले फेज के प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपया प्रदान करने के लिए आवंटन भी प्राप्त हो गया है। लोगों का पुनर्वास करने के लिए लाई पेला पाथाल के 167 हेक्टेयर और पोलपोल के 133.64 हेक्टेयर भूमि का चयन भी कर दिया गया है। इस भूमि का चुनाव भी कुचरूम और लाटू गांव के लोगों के द्वारा बनाई गई कमेटी ने किया है। ये भूमि प्रखंड व जिला मुख्यालय से सटा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पुनर्वास करने वाले परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। मुरमुरे खाकर चट्टानों से टपकते पानी को चाटकर गुजारे 16 दिन, वापसी
के बाद झारखंड के मजदूरों ने बयां किया दर्द। उत्तराखंड के सुरंग में 16 दिन तक फंसे 41 मजदूरों के दर्द की कहानी किसी से छिपी नहीं है। उन मजदूरों में झारखंड के अनिल बेदिया भी थे, जो वहां पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। सुरंग से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपनी कहानी शेयर की। अनिल बेदिया ने पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब हमने सोचा कि हम सुरंग के अंदर ही दफन हो जाएंगे। हमने बचने की सारी उम्मीद खो दी थी, फिर भी धैर्य रखकर इस दिन का इंतजार किया। उत्तराखंड सुरंग से सुरक्षित निकले सभी 15 मजदूर शुक्रवार तक आ सकते हैं झारखंड। 3-3 लाख का सौंपा गया चेक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलकियारा व डंडल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में फंसे झारखंड के सभी 15 मजदूर शुक्रवार तक घर लौट सकेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर वे सभी डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। एयरलिफ्ट कर सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। सभी मजदूरों को उत्तराखंड सरकार ने 1-1 लाख का चेक दिया है। वहीं कंपनी ने सभी कर्मियों को 2-2 लाख का चेक सौंपा है। आपको बता दें कि 408 घंटे की जंग जीतकर मंगलवार को वे सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 5 मजदूर वतन वापसी की लगाई गुहार, जारी किया वीडियो। झारखंड के 5 मजदूर सऊदी अरब में फंस गए हैं। मजदूरों ने वीडियो बनाकर भारत और झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। वीडियो जारी होने के बाद इन मजदूरों के परिजनों ने भी केंद्र और राज्य सरकार से इन्हें सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। सऊदी अरब में फंसे मजदूरों में गिरिडीह के सरिया का, 2 हजारीबाग के और 2 बोकारो के रहने वाले हैं। जारी वीडियो में सभी ने कंपनी की ओर से पिछले 8 महीनों से वेतन नहीं मिलने से दाने दाने का मोहताज होने की बात कही है। चाइनीज निमोनिया को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी, सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल, जल्द ये सावधानियां बरतें। रांची जिला के सरकारी अस्पतालों को चाइनीज निमोनिया को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। बताया कि जिन अस्पतालों में पीएसए प्लांट नहीं है, वहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी देने को कहा है। जल्द ही इसे लेकर सदर अस्पताल व सभी सीएचसी में मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। चाइनीज निमोनिया से बचने के लिए ये सावधानियां बरतें। लोग अपने घरों और दफ्तरों के पास सफाई रखें। किसी भी तरह के बुखार के लक्षण पर खुद दवा नहीं लें। किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। जरूरत लगने पर तुरंत मास्क व सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। खांसते या छींकते समय मुंह को रुमाल या हाथ से ढक लें। 5,000 एंट्री फीस किराए के मकान में जुए का खेल, एएसआई के कारनामे से पुलिस हैरान। राजधानी रांची में न सिर्फ पुलिस संरक्षण में बल्कि पुलिस वाले जुए के अड्डा का संचालन कर रहे हैं। कांके रोड मिसारगोंदा में जिस जुए के अड्डे में पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 20 लोगों को शनिवार की रात पकड़ा था, इनमें 14 पुलिसकर्मी के अलावा 6 अन्य लोग शामिल थे। इस अड्डे का संचालन पुलिस के एक एएसआई अरुण सिंह कर रहा था। उसने मिसारगोंदा में 1 माह पहले भाड़े पर एक मकान लिया, उसी मकान में जुआ खिलवा रहा था। बताया जा रहा है कि मिसारगोंदा स्थित जुए के अड्डे में प्रवेश के लिए जुआरियों से 2,000 से 5,000 रुपया फीस ली जाती थी। इस अड्डे में 10,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक जुआरी जुआ खेल सकते थे। जुआरियों को खाने पीने से लेकर सारी चीजें मुहैया कराई जाती थी। मजदूरों को एयरलिफ्ट करेगी सोरेन सरकार, 2 अधिकारियों की टीम रवाना, अपने को सलामत देख परिजन हुए भावुक। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल से बाहर आए झारखंड के श्रमिकों को एयरलिफ्ट कर वापस घर लाने के लिए झारखंड सरकार ने 2 अधिकारियों की टीम को मंगलवार को रवाना किया। श्रम विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि मजदूरों की मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद उनकी इच्छा पर सरकार एयरलिफ्ट कर वापस लाएगी। झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरें समाप्त। बुलेटिन देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जोहार।